वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। आज देखिए हम कोलर कंपनी का जनरेटर का रिव्यू करेंगे, इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, इसमें कौन सा इंजन है, कितनी एचपी, हर चीज़ पूरी डिटेल बताएंगे इस इंजन के बाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इसके इंजन से स्पेसिफिकेशन बताते हैं आपको, इसमें कितने सीसी का इंजन है, क्या पावर है, कितना फ्यूल कंजप्शन है। ठीक है, पूरे इंजन की पहले आपको डिटेल देते हैं, इसके पूरी पहले इंजन की स्पेसिफिकेशन बता देते हैं आपको। पहले बताते हैं, देखिए कोलर कंपनी का जनरेटर है, कोलर कंपनी का इंजन है ये देखिए कोलर कंपनी का मॉडल नंबर CH245 इंजन है ये। अब आपको इंजन में ये सिंगल सिलेंडर गैसोलीन OHP ओवरहेड वाल्व है इसके अंदर। देखिए OHP इंजन जो आजकल आ रहे हैं, जैसे होंडा का इंजन आता है OHP, जैसे वही सेम ये भी है, वैसे ही OHP ओवरहेड वाल्व है। और जिसकी बॉडी है ये अल्मोनियम बॉडी है, मॉडल है CH2458 इंजन मॉडल है, मॉडल नंबर CH258। और ये 4.5 HP का इंजन है, 3.3 kW, और इसका डिस्प्लेसमेंट है 10.8 है, और ये 177 cc का इंजन है ये। आपका इंजन 177 cc का इंजन है ये। और इधर बोर है 2.68 mm का है, और स्ट्रोक है 449 mm, और ग्रोस टॉर्क है इसका 10.8, और कंप्रेशन रेशियो इसका 8.5:1, और इसका ड्राइव वेट इंजन का वेट ये 15 kg का वेट है इसका। फ्यूल कैपेसिटी इसकी है 600 ml, और इसमें ऑयल पड़ता है 10W-830, और यहाँ से ड्रेन होगा, और ये 3600 RPM पे रन करता है, ये 3600 RPM पे। और बाकी पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखी हुई, देखिए पेट्रोल इंजन है, और इसका जो फ्यूल टैंक है आपका 3.1 लीटर का है। और एक चीज़ में और अच्छी है कि ढक्कन जैसा आप खोलेंगे इसमें चेन दे रखी, देख सकते हैं आप, अगर हटा भी देंगे तो गिरेगी नहीं, मतलब हटा के इसी में रहेगी, ये जेसी कंपनी दे रखी है। और 3.1 लीटर का टैंक है, तो इंजन का बैक साइड है OHP ओवरहेड वाल्व, इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ स्पार्क प्लग है आपका, और ये यहाँ एयर फिल्टर का, ये देख सकते हैं एयर फिल्टर है ये आपका, हमें तो 40 आवर्स में क्लीन करना रहेगा आपको। खोल कर दिखा दे रहे हैं, ये देखिए खुल गया, ये फिल्टर है इसका, ये देखिए इस तरीके से आता है फिल्टर इसका, और वहाँ पे ऐसे फिट कर देना है। इसका फिल्टर सब आपको हमारे पास मिल जाएगा, क्वाइट क्लीन कूलर, देखिए लिखा क्वाइट क्लीन 4-स्टेज साइक्लोनिक एयर फिल्ट्रेशन, देखिए तो हैवी का एयर फिल्टर है। और यहाँ देखिए चोक दे रखी है आपकी, ये देखिए ये आपकी चोक हो गई है, ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई, ये फ्यूल ऑन ऑफ करने वाला है, ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, फिर रिकॉइल स्टार्ट है ये। अब हम इंजन मेंटेनेंस की बात करते हैं, इंजन मेंटेनेंस में क्या क्या होगा, कितने घंटे में इंजन मेंटेनेंस करना चाहिए। तो फर्स्ट सर्विस, जब भी आपको नया इंजन लेंगे तो फर्स्ट सर्विस 20 आवर्स, और सेकंड सर्विस आपकी होगी 50 आवर्स में, फिर थर्ड 100 आवर्स, और रेगुलर 100 आवर्स में सर्विस करते रहे। 40 आवर्स में आपका एयर फिल्टर क्लीन होगा, एयर फिल्टर 40 आवर्स में क्लीन होगा आपका। इसमें जो इंजन ऑयल पड़ेगा 10W-30 कैस्ट्रोल सर्वो का ले सकते हैं, 600 ml इंजन ऑयल पड़ेगा इसमें, और एवरी 500 आवर्स में इसका स्पार्क प्लग चेंज होगा, 500 घंटे चलने के बाद आपका स्पार्क प्लग इसका चेंज होगा। आपको पास कोई भी जनरेटर हो या इंजन हो कार हो, हमेशा इंजन ऑयल चेक करते हैं, जैसे भी आप 10 घंटे 12 घंटे यूज करेंगे तो इसका इंजन ऑयल चेक करते रहें, कोई भी चलाएं जनरेटर इंजन ऑयल हमेशा चेक करते रहें। और देखिए इसमें इंजन ऑयल अलर्ट भी दे रखा, जैसे इंजन ऑयल कम होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन इसी से ऑन होगा इसी से ऑफ होगा। इसी पर्पज देना आप हर काम कर सकते हैं, इससे जनरेटर ही बना सकते हैं आप इसका, और आप जैसे वाटर पंप में भी यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं, गन्ने का जूस की मशीन के लिए भी यूज करते हैं, सारे काम के लिए इंजन बेस्ट। अब हम आपको इसका ऑर्डिनेटर का स्पेसिफिकेशन देते हैं, NSM कंपनी का ऑल्टरनेट दे रखा है, मॉडल नंबर K80 NSM कंपनी का ऑल्टरनेटर है ये, 1.5 kV का ऑल्टरनेटर है ये, मतलब 1500 वाट आपको पावर देगा, सिंगल फेज ऑल्टरनेटर, 230 का वोल्टेज है, और एम्पियर देख सकते हैं 6.5 एम्पियर पे, 6.5 एम्पियर 1.5, आपको 1 HP मोटर चल जाएगी, समरसेबल, लाइट, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज सब चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी 50 है, इससे आपको 1 HP मोटर आराम चल जाएगी। अभी आपको लोड भी डाल के दिखाएंगे आप, ठीक है, 1 HP मोटर चल जाएगी आपका, फैन, टीवी, कूलर, LED TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब चल जाएगा इससे, AC छोड़ के। अब आपको इस पर लोड डाल के दिखाते हैं, स्टार्ट करके दिखाते हैं। दिखाने जा रहे हैं, यहाँ आपने लगा दिया सॉकेट अपना, अभी देखिए इधर चोक लेनी, इधर से ये चोक ऑन कर दी, पेट्रोल ऑन हो गया, अब स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, देखिए स्टार्ट हो गया,
देखिए स्टार्ट कर दिखा दिया आपको। इससे आपके 10 पंखे, 50 एलईडी बल्ब 10 वाट के, टीवी एलईडी टीवी, फ्रिज नया वाला इन्वर्टर वाला चल जाएगा, वॉशिंग मशीन, 1 HP मोटर सब चलेगा। और इस पे आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, 3 फ्री सर्विस मिलेगी आपको, फ्री डिलीवरी से आपका एड्रेस पहुंच जाएगा। और इसका प्राइस 45,000 है। और ये आपका एवरेज बताना भूल गए, ये 400 ml में 1 घंटा चलेगा, 400 ग्राम में 1 घंटा, 400 ml में 1 आवर, सबसे कम तेल खाता है ये, अपनी कहती। बाकी यहाँ पर सारे होंडा के जनरेटर मिल जाएंगे, सारे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे आपको, देख सकते सारे जनरेटर रखे हुए। अपने पास जो भी कंपनियां नई नई अभी जुड़ी हैं, जैसे ये कंपनी है कॉलर भी अपने पास, और एक और क्या नाम उसका, चैम कंपनी का भी, चैम कंपनी का दिखाया था जिसका बना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। 2-3 कंपनियां आप लोगों से जुड़ी हुई है, और हमने वो उसी का ऐड करते हैं जो चीज बढ़िया होती है, जैसे इस पे विश्वास है हमको होंडा पे, तो उस पे भी विश्वास है, वो भी बढ़िया है। देखिए सारे मॉडल लगे हुए हमारे पास, यार देख सकते सब है, सारे इंजन देख लीजिए, सब बड़े परफेक्ट रखे हुए हैं। कोई भी सेट आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, अगर आप नया भी ले सकते हैं। अगर आपको केरोसिन पेट्रोल में चाहिए तो उसमें भी नया इंजन मिल जाएगा, 3 सर्विसिंग मिलेंगी, 1 साल की गारंटी। इंडिया में किसी भी कोने में रहते हो, अगर सर्विस सेंटर है आपको तो गारंटी आपकी फ्री मिलेगी। ये भी इंडिया में किसी भी कोने में रहते हो, सर्विसिंग आपको पूरी फ्री मिलेगी। इंडिया में रहते हैं आप, किसी भी कोने में अगर आवा सर्विस सेंटर आपके पास है तो 1 साल की गारंटी कंपनी खुद देती है। बाकी सेट देख लीजिए सारे लगे हुए, रखे हुए और सेट रखे हुए, अंदर भी रखे हुए सेट, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी रखे हुए सेट। माल हमारे पास है तभी आपसे कहते हैं, आप अगर विश्वास करेंगे ना तो माल आपके पास पहुँचेगा। वो काम नहीं है अपने पास कि एक सेट रख लिया उसी सेट को दिखा रहे हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं है। सेट आप ले लीजिए, देख लीजिए, मॉडल नंबर लिख लीजिए, वही नंबर का इंजन आपके पास, जैसे कि एक बिरला यहाँ भी रखा, नया पीस मेरे पास रखा है। अगर किसी भी भाई को चाहिए हो, 1 KV का, 1 KV की मोटर आराम से चल जाएगी, 1 HP की मोटर, इससे नया जनरेटर रखा है बिरला यहाँ। अगर किसी भाई को चाहिए, ओरिजिनल बिल्कुल रखा हुआ है, मिल जाएगा। बाकी 2 KV के रखे हुए सारे जनरेटर, और किसी को स्टैंड चाहिए हो, अगर 2 KV का स्टैंड चाहिए जैसे लगे हुए, ये स्टैंड भी मेरे पास मिलते हैं रखने के लिए। अगर किसी स्टैंड चाहिए तो स्टैंड भी मिल जाएगा, पहिए भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका कोई पार्ट खराब होता है, पहिए खराब होते हैं कैनोपी के, तो वो भी मिलते हैं, पर इसके पहिए महंगे आते हैं। ये चीज हमें यार, एक पहिया आपको पड़ेगा वो 550 रुपये का, डिलीवरी चार्ज अलग। कैनोपी के टायर मिल जाएंगे, व्हील अगर आपका 2800 2000 U30 में यही लगते हैं, 1200 कोई भी कैनोपी, मतलब कैनोपी हो गई कोई भी कैनोपी, सारे में यही लगते हैं, मतलब U70 को छोड़ के बाकी सब मॉडल में। फिल्टर ये कैनोपी का जो कवर होता है वो सब आपको मिल जाएगा, फिल्टर वाला सब कुछ सामान, सारा सामान आपको मिल जाएगा, होंडा का चाहे कोहलर कंपनी का सब कुछ मिल जाएगा, सारा सामान ओपन का है, ये ओपन का सामान है, बहुत सारा सामान है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास 1000 का सेट रखा है और उसकी ये टूट गई है, क्या नाम है, EP1000 हाउसिंग मिल जाएगी आपको, ये ओरिजिनल मिलेगी मेरे पास। ये देखिए हाउसिंग होती है जो यहाँ लगती है, अल्टरनेटर पे होती है। अगर किसी की टूट गई हो, किसी के पास नहीं मिल रहा हो मार्केट में, तो मेरे पास है, मिल सकता है, आप ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी जनरेटर का कोई भी सामान आपको पार्ट्स अगर खराब है, नहीं मिल रहा है, कोशिश कर लिए, मुझे फ़ोन करिए, आपके पास 5 से 6 दिन में आपके पास पहुँच जाएगा। आप मुझे पेटीएम करिए, मैं यहाँ से बिल्टी करा दूँगा तुरंत, और बिल्टी की रसीद आपको मोबाइल पर मिल जाएगी, ट्रैक करते रहिए। जितना भी सामान मेरे पास है सब ओरिजिनल मिलेगा। अगर आपको गैसकेट चाहिए, ये देखिए गैसकेट भी मिले, अगर आप पेट्रोल नहीं चलाना चाहते हैं, गैसकेट किसी में भी लगाना चाहते हैं, ये सब में लग जाएगी, ये गैसकेट इसमें भी लग जाएगी, इसमें भी लग जाएगी, इसमें भी लग जाएगी, ये सब में गैसकेट सब में काम करती है। अगर आपको गैसकेट नहीं मिल रही हो कहीं, तो मेरे पास फ़ोन करें, मिल जाएगी। ये सब जनरेटर के पार्ट्स हैं, ये पैकिंग है जो कहीं नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती हो तो मुझे फ़ोन करिए, मेरे पास मिल जाएगी। सामान आपने देख ही लिया, सब है, सारा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। ढक्कन आपको नहीं मिल रहा है, ये ओरिजिनल ढक्कन है कंपनी का, ये पीछे लगता है। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है, खराब हो गया, सड़ गया, टूट गया हो, तो नया ले लीजिए, नया मिल जाएगा मेरे पास आपको। फिल्टर सारे मिल जाएंगे, फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कैनोपी का फिल्टर है, ये 1000 का फिल्टर है, ये 2000 का फिल्टर है, ये 2800 का फिल्टर है। 2800 का फिल्टर का आपको कहीं नहीं मिलता हो तो मुझे फ़ोन करिए, ये फिल्टर है, ये ना जलेगा ना गलेगा कभी, कितना हीट हो जाएगी इसमें कुछ नहीं होना है ये। और एक फिल्टर आदमी काट के लगा देता फोन, वो मत लगाइए, उससे आपको एवरेज भी नहीं लेगा और आपको जो पावर है वो भी नहीं मिलेगा। यही चलते हैं जो मेरे पास लगे हुए हैं अभी। फिल्टर अगर चाहिए तो मिल जाएगा, कोई भी पार्ट आपको नहीं मिल रहा, फोन करिए, तुरंत ले लीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको कोई भी होंडा जनरेटर स्पेयर पार्ट चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें, हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक करें, हमने फेसबुक पेज बनाया, उस पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करें। अगर पसंद है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।